बात की एक हद होती है। कम से कम तुम्हें तो एहसास करना चाहिए सुमन। कुछ पता है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? तुम मुझसे लड़ रहे हो? जी। क्यों? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मैंने ना एक माहिर नफ्सियात का बयान पढ़ा था, तो उसने कहा था मियां बीवी में जितनी ज्यादा लड़ाई होती है उतनी ही उनकी मोहब्बत बढ़ती है। तो कितने बरसों बाद हम लड़ रहे हैं ना? इसलिए कि हम कई बरसों के बाद मिल रहे हैं। मुझे हिसाब किताब चाहिए। जाना जरा अपनी मैथ्स की बुक लाओ। कॉपी? हिसाब की किताब क्यों? तुमने कहा ना तुम्हें हिसाब की किताब चाहिए। सुंबल, मुझे तुम्हारी फजूल खर्चियों का हिसाब चाहिए। तुम समझते भी हो कि फजूल खर्ची किसे कहते हैं? जी, मुझसे ज्यादा इसे कौन समझ सकता है। 20 साल पहले मेरी फजूल खर्ची से ही शादी हुई थी। तुम्हें क्या पता बच्चों की तालीम कितनी महंगी हो चुकी है। बच्चों की तालीम? तुम्हारे इम्तिहान का क्या बना? वो पापा, इम्तिहान तो ठीक हो जाता है, बस रिजल्ट ही ठीक नहीं आता। क्या रिजल्ट है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन? तुम्हें पता है हमारे मुल्क में कितने डिवीजन? मुझे पता है। तुम्हारा क्या बना? पापा, थर्ड। पॉपी? पॉपी, तुम बोर्ड में थर्ड आए हो? और पॉपी, देखा मेरा बेटा है ना, बोर्ड में थर्ड आया। हाँ, और क्या? ये होती है बात। और क्या? चलो भाई, हाँ। मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे गिफ्ट्स दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो, उठ जाओ, उठ जाओ, बस उठ जाओ। वो बॉल पॉइंट वक्त भी बताता है? बताता कहाँ है, खुद देखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, फिर इसमें जरा मुझे देख के बताना, पापा को कब पता चलना है कि तुम्हारी थर्ड पोजीशन नहीं, थर्ड डिवीजन आई है? मामा, इसे देखे ना, ये मुझे डरा रही है। भाई साहब, कई दफा सुबह से पूछ चुके हैं कि बॉबी का रिजल्ट कार्ड कब आएगा। मामा, कुछ सोचे ना। आइडिया, थर्ड आने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड दिखा देंगे। हाँ, ये ठीक है, वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है और उसका नाम भी नवीद है, लेकिन उसके पापा का नाम कुछ और है। मामा, आप ही कुछ हेल्प करें। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सुंबल, क्यों ना हम उस इश्तिहारी को फोन करें। वो खुशिया, अखबार में आया था कि अब जाली डिग्रियां भी मिलने लगी हैं। सलाम अलैकुम जी। खुशिया साहब जी, मिसेस खान बोल रही हैं। हमें डिग्री चाहिए। कह रहा डिग्री चाहिए तो कोर्ट में जाए। मामा, उसे कहें कि कॉलेज की डिग्री चाहिए। खुशिया साहब, हमें कॉलेज की डिग्री चाहिए। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि मैट्रिक 4000, एफए 3000, बीए 2000 और एमए 1000। ये एमए इतना सस्ता क्यों है? फो फो, आसान बात है, बीए के बाद क्या होता है? एमए, एमए के बाद तो कुछ नहीं होता, बेरोजगारी होती है, तो बेरोजगार बनने के कौन इतने पैसे। होल्ड कीजिएगा एक मिनट। मामा, तुम बहुत अकलमंद लगती हो। मैं नहीं लगता? लगते हो, फिर तुम बोलना शुरू कर देते हो। मुझे तो बताओ ना। आहिस्ता, भाईजान सुन लेंगे। अच्छा जी, अच्छा, वो कह रहा है पैकेज डील भी है, एम ए इंग्लिश और एम ए इकोनॉमिक्स की दो दो डिग्रियां लेने वाले को जर्नलिज्म की डिग्री बिल्कुल मुफ्त। सुंदर, उससे कहो कि कुछ रियायत करे। जी खुशिया साहब, देखिए प्लीज, आप कुछ रियायत कीजिए। हाँ, इसलिए हम आपके पुराने ग्राहक हैं ना। हैं जी? वो कह रहे हैं कि अगर किसी मरहूम रिश्तेदार के नाम की डिग्री चाहिए तो फिर 50% रियायत हो जाएगी। उनके कार्ड पर मरहूम भी लिखा होता है। और क्या, वो कहते हैं ना, फलां ने तो मर के एमए किया है, इसीलिए तो कहते होंगे। खुशिया साहब, बात यह है कि हमें तो एफए की डिग्री चाहिए, थर्ड पोजीशन की, गवर्नमेंट कॉलेज की। है जी? वो कह रहा है मर्दाना कॉलेज की या जनाना कॉलेज की? मामा, अगर मौका मिल ही रहा है तो गर्ल्स कॉलेज से एफए करवा दें। पापा को पता चल गया ना तुम गर्ल्स कॉलेज तो पापा में रोज मुझे लेने छोड़ने आएंगे। चुप करो। नहीं नहीं जी, नहीं खुशिया साहब, आपको नहीं कह रही। जी नहीं, देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप एक कार्ड बनवा कर जल्द अज जल्द हमारे घर पहुँचा दीजिए, फौरन। आपने हमारा घर तो देखा ही है ना। जी, वालिद का नाम? पापा। पापा, नाम बताओ ना प्लीज। भाई आजम। भाई आजम? जी नहीं, जी नहीं, मेरी नन के भाई आजम। ओ बॉबी, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है जब मैं फोन पे बात करी हूँ मुझे हिलाया मत करो, बंदा हिला हुआ लगता है।
जी नहीं, मैं आपको नहीं कह रही। जी हाँ, जी जी, एफ ए, एफ ए बी सी डी ई एफ जी ए जाई जी के। एक मिनट। ये फोन पे किसी को पढ़ाया जा रहा है? मैं पढ़ा रही थी। हाँ मैं पढ़ाई तो रही थी। हाँ ना, वो हुकूमत ने कहा नहीं है कि हर पढ़े लिखे शख्स को चाहिए कि वो मुल्क में ख्वानदगी के खात्मे के लिए एक शख्स को पढ़ाए। हेलो, हाँ बेटा तुम होमवर्क करके आना। हाँ खत्म ना किया ना तो मैं बहुत मारूंगी। हाँ ओके। सुंबल किस क्लास को पढ़ा रही हो? कोई एफए का जिक्र हो रहा था। तुम एफए को पढ़ा रही हो? माशाल्लाह, देखो हालांकि ये खुद मैट्रिक है। अगर उस जमाने का जो मैट्रिक था भाई साहब, वो एफए बीए के बराबर था। नसर, इतने पुराने जमाने की नहीं हूँ। पढ़ाना जो है वो सवाब का काम है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम लोगों के ख्यालात भी वही हैं जो मेरे हैं। मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम एक प्राइवेट तालीमी इदारा खोल लें। हाँ। इसके लिए मैंने एक माहिर तालीम को भी बुलाया। अच्छा, देखो आजम, अगर हमारे लायक कोई खिदमत होना तो हम हाजिर। क्यों नहीं। भाई बॉबी, तुमने अपना गिफ्ट तो ले लिया, अब हमारा गिफ्ट कब आ रहा है? आपका गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? माँ बाप के लिए औलाद के रिजल्ट से बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सुना है भाई डाका? हाँ सुना है भाई। देखो, जब डाकिया लेके आएगा किसी ने हाथ नहीं लगाना, सबसे पहले मैं खुद खोलूंगा। ठीक है जी पापा। आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं आई, आप क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? प्लीज आप बात मेरी बात सुने। देखिए आप क्या चाहते हैं? टाइम क्या हुआ है? एक बजा है, मेरी घड़ी पे भी एक ही बजा है। हम दोनों के ख्यालात आपस में कितने मिलते जुलते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? वो देखें जी, मेरा रिजल्ट कार्ड आना है तो वो प्लीज मुझे ही दे दें। आपने क्या समझा है मुझे? डाक किया? हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देते हैं। देखें प्लीज मुझे दे दें। आपको कहा ना, हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम डाक सिर्फ घर के सरबराह को ही देंगे। लेकिन जी अब अपने घर के सरबराह तो आप ही हुए ना। यही तो है फैमिली फ्रंट। अस्सलाम वालेकुम। मौला खुश रखे, आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचानेंगे भी कैसे, आपने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। वैसे मैंने जिसको पहले कभी ना भी देखा हो ना, मैं उसको भी पहचान लेता हूँ। आपकी तारीफ सब करते हैं, वैसे असल तारीफ के काबिल तो अल्लाह की जात है। देखा कितनी अच्छी बात की मैंने। जब मैं ये कोट पहन लेता हूँ तो बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, पढ़े लिखे वाले करता हूँ। मैंने आपको वाकई नहीं पहचाना, इसीलिए तो इज्जत कर रहे हैं। मेरा मतलब है पहचान के इज्जत की तो क्या की। आप किस सिलसिले में आए हैं? मैं सिलसिला तालीमिया के सिलसिले में आया हूँ। देखें जी, इल्म एक दौलत है और दौलत एक इल्म है। दौलत की दौलत तो होती है और तालीम की एक लत है। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप माहिर तालीम हैं जी, प्लीज आइए आइए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बॉबी, दो कप चाय लाना बेटा। भारत जी, ये मेरा प्लान है, आप जरा देख लीजिए एक नजर इसमें अगर कुछ। नहीं कह रही खान साहब के। सलाम वालेकुम साहब, नहीं पहचाना ना? असल में जब मैं नए कपड़े पहन लेता हूँ ना, मुझे मेरे घर वाले भी पहचानते। यहाँ कैसे? मौला खुश रखे, आपने खुद ही तो फोन किया था, वही एफए वाला केस। आपने तो कहा था कि होमवर्क करके आ जाना होम पर। ये पता कौन है जिसे मैं फोन पे पढ़ा रही थी? वो भी है भी। अच्छा 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 अच्छा, तालीम देना सवाब का काम। हाँ। है। भाई तुम अपना होमवर्क नहीं लेके आए? बिल्कुल जी, पहले इनाम हो जाए। इनाम? हाँ, वो मैं इसे इनाम देती हूँ जब ये कोई गलती नहीं करता। उस पर माहिर नफ्सियात का कहना है कि इस तरह से बच्चों में पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है। माफ करना भाई, मैं तो तुम्हें प्रोफेसर समझा। हाँ माफ करना। वैसे मैंने आजकल हाथ देखने और जादू के करतब दिखाने बंद किए हुए हैं। और मेरे पुराने जानने वाले मुझे प्रोफेसर ही कहते हैं। अच्छा, ये नौजवान जिसने एफए में थर्ड
पोजीशन लेना है। लेनी क्या है जी, लेनी आप चाहे दीजिए खुशिया साहब। I'm sorry, आप ऐसे करें ना, जल्दी जाइए जाकर इसे धो लीजिए फौरन वरना दांत पक्के हो जाएंगे। वैसे हमने ऐसे पाउडर बनाए हैं जो हर किस्म के दांत धो डालते हैं। हाँ जी, कपड़ों पर हो दांत या खानदान पर हो, मिनटों में धो डालते हैं। दीदियां यही कहती हैं कि जी सारे आप पाउडर मार्के देख लिए लेकिन खावत से बेहतर किसी को नहीं पाया। बातें करना छोड़ो, मुझे प्यार दो, पैसे दो, पैसे दो। चलिए जी खुशिया साहब, बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। चलिए आप बहुत जी जी बिल्कुल, खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय। आंटी क्यों बार बार बज रही, ओ डाकिया जी? नहीं, ये सिर्फ बॉबी साहब को ही मिलेगा। क्या करे, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या भाई डाक तो दो। डाक की तरफ नहीं गया। अच्छा मैं यूं करती हूँ कि चुप करके जाके उनके पास बैठ जाती हूँ। तुम चुप करके बैठोगी तो वो मुतवज्जो हो जाएंगे। बीबियां जब तक बोलती रहे खामे तवज्जो नहीं देते। तो क्या करूं फिर, मुझे क्या खामोशी से बोलना पड़ेगा? मारे क्या हुआ मामा, वो डाक उठा रहे हैं, अब क्या होगा? वही जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक क्या नहीं हुआ? जो अब होगा। मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। सिर्फ बोला जाता है, सोचा तो अकेले में जाता है। तो फिर हमें अलग अलग सोचना पड़ेगा। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। स्वीट्स लाई हूँ, बर्फी। ओह थैंक यू बेटा, आप काम कर रहे हैं ना इसलिए। हाँ भाई मुझे ये बहुत पसंद है। क्या कर रही हो? वो मेज बहुत गंदी है ना, मैंने सोचा मैं सफाई कर दूँ थोड़ी सी। हाँ हुआ कर दो, तो साफ करो। वो अब क्या फायदा। पापा आपकी फेवरेट स्वीट्स बर्फी। आप काम कर रहे हैं ना? थैंक यू बेटा, जब मैं काम कर रहा होता हूँ सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू पापा। ये मेज कितनी गंदी हो गई है, इसे साफ ना कर। नहीं बॉबी, मुझे काम करना है बेटा, आप जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होंगी। आपको कैसे पता चला? इसलिए कि मैं काम कर रहा हूँ, अब आपने मेज साफ करना होगा। जी आपको कैसे पता चला? इसलिए कि ये बहुत गंदा हो चुका है, आप प्लीज जाइए मुझे काम करने दीजिए। सुनिए जी, आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होंगी क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद आपने मेज साफ करना होगा क्योंकि ये बहुत गंदा हो चुका है। आखिर मुझे काम क्यों नहीं करने दे रही है? सब क्या हो रहा है? बॉबी, हुमा, नुसरत, सब लोग क्या हो गया भाई साहब? क्या हुआ, क्या मुसीबत है ये? काम क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? इसलिए कि आप काम कर रहे हैं तो इसलिए हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। क्यों? वो दरअसल आप क्योंकि आए हैं ना, अब आप यहाँ आ गए तो हम इतने खुश हुए कि खुशी संभाल ही नहीं संभाल के पापा हम लोग तो हम ना पता क्या, मैंने ये फैसला किया कि आप थक गए होंगे तो नहीं आप आराम कीजिए। चलिए क्यों क्यों आप थक गए इसलिए? मैं नहीं थका पापा, मैं ये क्या हो रहा है? ये मामा डाक उठा रही। नहीं पापा नहीं उठा रही। क्या है ये? ये पता नहीं क्या है, मैं देखती हूँ। दिखाओ। क्या है ये? ये तो रिजल्ट कार्ड है। अच्छा इसीलिए सब लोग बर्फी लेके आ रहे हैं मेरे लिए। इसीलिए। गुड। चलो भाई सब मिलके इसे खोलते हैं और वो मीठा करते हैं, ठीक है? बॉबी कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने कमरे में, जाके देखो अंदर की चटनी कितनी मजबूत है। आप नहीं जा सकते हो बेटा, आप तो मेहमान खुसूसी हो। मामा मेरा तो एडवांस में बदन दुख रहा है। मामी यहाँ तुम इसे अपने हाथों से खोलो बेटा।
मेरा ख्याल है कि बर्फी उस वक्त होनी चाहिए जबकि साथ में चाय भी हो। तो चाय बनानी चाहिए। अच्छा आइडिया है भाई, चाय तो होनी चाहिए बर्फी के साथ। प्रश्न ये है कि चाय कौन बनाएगा? चाय मैं, बॉबी चाय बनाएगा। चाय बॉबी बनाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाय हमेशा वीआईपीज बनाते हैं और आज के इस सारे हादसे में ये वीआईपी है ना, है ना? तो अभी वीआईपी है इसलिए चाय बॉबी बनाए। ये है थर्ड नियम वाला कार्ड, ये है बोर्ड में थर्ड आने वाला कार्ड। जल्दी आ जाओ बेटा। जी आ रहा हूँ पापा। कितनी खुशी का मौका है ना आज। अब तो मेरे लिए भी खुशी का मौका है। बॉबी के नंबरों के हुसूल के लिए तो हम सबको ये बड़ी मेहनत करना पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये पापा कि ये मामा की दुआओं और फुफ्फो की कोशिशों से मुमकिन हुआ है। जो मैंने इतनी मुश्किल से नंबर ढूंढ के दिया था वो। क्या मतलब, कौन सा नंबर? वो बॉबी के कॉलेज में दाखिले के लिए फोन नंबर चाहिए था ना, तो वो हमने ढूंढा था अखबार में से, ये बात थी। अच्छा पापा अब खोले ना, अब कोई खतरा नहीं। अच्छा भाई तुम जिद करते हो तो चलो। ओहो मेरी चाय में चीनी? भाई मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक दफा चीनी के साथ चाय पी थी, और वो भी एक दावत में जब चीनी लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने कभी चीनी के साथ चाय नहीं पी। जाओ माँ पुप्पो के लिए बगैर चीनी के चाय लेकर आओ, जल्दी जाओ, तुम्हारे आने पे ही हम रिजल्ट कार्ड खोलेंगे। हाँ। है ना? हाँ, क्यों नहीं, जल्दी आना। वाला रिजल्ट कार्ड तो ये पड़ा है, वो थर्ड डिवीजन वाला ले गया। लड़का कोई काम सही से नहीं कर सकता। क्या हुआ था? चाय पे गिर गई थी। चाय पे गिर गई थी? इस पे चाय गिर गई थी। पापा खोले ना आप। मैं ये हुमा के इशारे कर रही है? ये पूछ रही है कि अकल बड़ी या भैंस? भैंस। अकल तो इतनी सी खोपड़ी में रहती है, जबकि भैंस को रखने के लिए इतना बड़ा घर चाहिए होता है। कोई बड़ा दिमाग है बॉबी का। भाई निश्चित, अगर आम आदमी का दिमाग 10,000 रुपए औंस होता ना, तो मेरे बेटे का दिमाग 1,00,000 रुपए औंस होना था। जो चीज जितनी कम होती है उतनी महंगी भी होती है। पापा आप खोले ना। बॉबी वैसे तो ये तुम्हें खोलना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जिद करते हो, तो चलो मैं खोल लेता हूँ। इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं माँ हूँ, इसलिए किसी ने मुझसे नहीं कहा कि अपने बेटे का कार्ड तुम खुद खोलो, मेरा तो कोई हक ही नहीं है ना। नहीं सुंबल, तुम कैसी बातें कर रही हो भाई? तुम्हारा बेटा है, बहुत इंटेलिजेंट है, तुम पर गया है? नहीं, तुम उस पर बिल्कुल नहीं गया, ये सिर्फ अपने पर गया है और सिर्फ अपनी तरह का इंटेलिजेंट है। बारा, मैं अपने बेटे का रिजल्ट कार्ड सबसे पहले खुद देखना चाहती हूँ, खुद खोलना चाहती हूँ। जब कम नंबर आते हैं तो सब मुझे दिखाते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो कम नंबर है, और अब जबकि इसने पोजीशन ले ली है तो मैं किससे खेलती मेरी। बॉबी तुम्हें ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी बेटा। चलो जाओ मामा से माफी मांगो और उनसे कहो कि कार्ड खोले। जाओ। सॉरी मामा, कार्ड नहीं। यहाँ खोलेंगे तो फट जाएगा, हम किचन में जाके खोलेंगे छुरी के साथ। कितनी ज़हीन हो मामा। नहीं फटता। English 149 out of 150. उर्दू। बॉबी। अच्छा मैं खोलता हूँ। तुम खोल लो, वैसे भी तुम्हें यही जॉब मिलने वाली है। तुम तो मेरी कदरों कीमत से जलती। अच्छा खोल लो ना।
ये तो मेरे प्रोफेसर है, ये तो पापा को बता देंगे कि मैं थर्ड नहीं आया। अच्छा अच्छा तुम छुप जाओ, मैं खोलती हूँ ना। आइए आइए अंदर आइए ना। आदाब प्रोफेसर साहब। आपको कैसे पता चला कि मैं प्रोफेसर हूँ? वो आपकी शक्ल से पता चल रहा है। हाँ दरअसल जब मैं बहुत थका होता हूँ तो मुझे भी यही महसूस होता है। अच्छा आप तशरीफ रखिए ना। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोफेसर शब्बीर जहां बल्लभ? कौन सा बल्लभ? जहां बल्लभ मेरा तखल्लुस। आई सी। अच्छा प्लीज बैठिए, आइए आइए। माफी चाहता हूँ, मुझे खुद हाजिर होना चाहिए था आपके पास। मैं दरअसल एक प्राइवेट कॉलेज चलाना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैंने सोचा आपसे रहनुमाई हासिल कर ली जाए। इस सिलसिले में कुछ काम किया है मैंने, ये देखिए। बस प्रोफेसर साहब मिलजुल के काम करेंगे, मेरे पास पैसा है, आपके पास तजुर्बा। चंद सालों बाद आपके पास तजुर्बा होगा और मेरे पास पैसा। मेरा मतलब है दोनों को ही फायदा होगा। जी मेरे तलबा पढ़ाई में हमेशा नंबर वन होते हैं। माशाल्लाह। इस बार एफएमए बोर्ड में मेरे स्टूडेंट ने थर्ड पोजीशन हासिल की। बॉबी आपका स्टूडेंट है? कौन बॉबी? बॉबी मेरा बेटा नवीद, उसे हम घर में बॉबी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नवीद आपका बेटा है? जी जी जी। बड़ा ही सादतमंद बच्चा है। जी बस। आप उसे बुलाइए, कहिए कि प्रोफेसर जहां बल्लभ आए। जी क्यों नहीं। बॉबी बेटा प्रोफेसर जाने बल्लभ जहां बल्लभ बेटा प्रोफेसर बेटा प्रोफेसर साहब आए हैं। जी पापा। बेटा वो बॉबी को बुलाओ, उनके प्रोफेसर साहब आए हैं। वो तो नहा रहा है। वो नहा रहा है जी, अभी आ जाता है। उसे को जल्दी आए। अच्छा जल्दी आए। क्या बात है भाई साहब, आप बॉबी को क्यों बुला रहे हैं? भाई उनके प्रोफेसर साहब आए हैं, मिलना चाह रहे हैं उससे। बॉबी सो रहा है? बॉबी नहा के सो रहे हैं। नहीं बॉबी सो के नहा रहा है। नहीं बॉबी बॉबी सो के नहा रहा है या नहा के सो रहा है उसे बुलाओ, उसके प्रोफेसर साहब आए। नहीं नहीं नहीं, फिर कभी मुलाकात हो जाएगी, मुझे इस वक्त जरा जल्दी। नहीं नहीं उसे, उन्हें जल्दी है, प्रोफेसर साहब को बहुत जल्दी है। हाँ। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, प्रोफेसर साहब को जल्दी। प्रोफेसर साहब है, उसके प्रोफेसर साहब है, बच्चे ने इतनी मेहनत की है, आप मिलके जाइए प्लीज, मैं बुला के लाता हूँ। बॉबी बॉबी नहीं प्रोफेसर साहब आपको बहुत जल्दी है और आप जाने की बहुत जिद कर रहे हैं। क्यों प्रोफेसर साहब है ना? अब तो बस भी चलिए, जल्दी है तो फिर चलें। आप भी चलेंगे? जी मेरा। अरे छोड़िए प्रोफेसर साहब इस बात को, आपको जल्दी आप जाइए बस, चलिए 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 चलिए। हाँ बिल्कुल, क्या परेशानी है, बस जिसे जल्दी होती है उसे तो जाना ही होता है। खुदा हाफिज़। मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन प्रोफेसर की याददाश्त अगर बहुत अच्छी ही हो तो होता तो वो प्रोफेसर ही। होता तो वो फिर भी प्रोफेसर ही। खुदा हाफिज़। अच्छा खुदा खुदा हाफिज़। बॉबी आ जाओ, चले गए प्रोफेसर साहब, खुदा का शुक्र है। बॉबी कहां थे तुम? मैं तुम्हारे प्रोफेसर साहब आए थे, इतनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, मैं बहुत खुश हूं। इसकी तो हर कोई तारीफें कर रहा होता है। माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चा है। जी हाँ, कमरा इम्तिहान में सब लोग जब लिख रहे होते हैं तो ये अक्सर पढ़ ही रहा होता है। पापा मैं नमाज पढ़ रहा था। हाँ इसीलिए तो ये जवाब नहीं दे रहा था आपकी आवाज का। जी जी इसीलिए पापा। हाँ इसीलिए तो। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं अपनी ऐनक भूल गया। आपके सर पे है? सिर्फ यही जगह चेक करनी रह गई। अरे प्रोफेसर साहब मेरा बेटा नवीद, आप तो खैर जानते ही हैं इसे। मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरी क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट है, बमुश्किल थर्ड डिवीजन में पास हुआ था। क्या?